नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका क्राइम कैपिटल पर। आज की कहानी है मेक्सिको देश की राजधानी मेक्सिको सिटी के एक आइलैंड की। हर बच्चा किसी ना किसी खिलौने को तो ज़रूर पसंद करता है, और आज की ये कहानी भी डॉल से ही जुड़ी है। पर ये कोई मामूली नहीं, बल्कि सैकड़ों डॉल्स के अजीब से सिलसिले से जुड़ी कहानी है। एक आइलैंड जिसको शायद शापित माना जाता है। कहते हैं सैंटाना नाम का आदमी उस जगह पर अपनी निजी ज़िंदगी से परेशान होकर अक्सर शराब पीने आता था। एक दिन जब सैंटाना उस आइलैंड पर था, तब उसे अचानक किसी बच्ची की चीखने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो एक बच्ची पानी में डूब रही होती है। उस बच्ची को बचाने की वो बहुत कोशिश करता है, पर तब तक बच्ची अपना दम तोड़ देती है। साथ ही सैंटाना को उस बच्ची के साथ एक डॉल भी वहीं मिलती है। सैंटाना बच्ची को वहीं किनारे पर दफना देता है और उसकी गुड़िया को भी बच्ची की निशानी समझकर अपने पास बहुत संभाल कर रखता है। दूसरे दिन जब सैंटाना कब्र पर वापस जाता है तो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे बच्ची की कब्र पर एक और गुड़िया मिलती है। सैंटाना उन डॉल्स को वहीं पास के पेड़ पर टांग देता है। पर यह सिलसिला तो अभी शुरू हुआ था और अगले कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। हर दिन सैंटाना को वहीं पर गुड़िया मिलने लगी और वो उसे हर रोज़ वहीं पेड़ पर टांगने लगा। देखते देखते कई साल गुजर गए और उस आइलैंड का हर पेड़ अब मानो उस बच्ची के डॉल से भरता चला गया। जूलियन सैंटाना बरेरा, उनका मानना था कि उन डॉल्स में बच्ची की आत्मा है। 2001 में उस आइलैंड के ठीक उसी जगह पर सैंटाना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज के वक्त ये आइलैंड टूरिस्ट को अपनी इन्हीं रहस्यों के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी उस बच्ची के लिए डॉल्स लेकर आते हैं और पेड़ पर टांग देते हैं। इस आइलैंड पर इन डॉल्स का ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ और इतने सालों तक ये डॉल्स वहाँ कैसे आते चले गए, ये तो आज भी एक राज है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ आपसे अगले ऐसे ही किसी कहानी में।